दोस्तों हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त न्यू बिजनेस आइडिया लेकर, जिसकी शुरुआत आप कर सकते हो मात्र 30 से 35,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। और इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर ही जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको रिकवर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, 15 से 20 दिन के अंदर आपने रिकवर कर लिया, उसके बाद में आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सो कौन सा है वो बिजनेस, क्या प्रोडक्ट आपको बनाकर बेचना होगा, ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई नया बिजनेस आइडिया, फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप आइडिया या अर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, उस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हर जगह पे उसका इस्तेमाल होता है। जैसे शादियों में उसका इस्तेमाल होता है, बर्थडे पार्टीज में उसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि दुकानों के अंदर भी उसका इस्तेमाल होता है, और आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट सभी जगह पे किया जाता है। दोस्तों वो प्रोडक्ट है नियॉन लाइट का बोर्ड। देखिए, इस प्रकार के नियॉन लाइट के बोर्ड आपने जरूर देखे होंगे, बहुत सारी जगहों पे ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इनको बनाने में कितना कॉस्टिंग पड़ता होगा? अब आप बोलेंगे हमको तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब मैंने मार्केट में रेट निकाला कि इसको बनाने में कितना कॉस्ट पड़ता है, मतलब अगर मैं किसी दुकान वाले के पास जाता हूं, बोलता हूं मुझे नियॉन लाइट का बोर्ड बनाना है 1 square foot का, तो कितना कॉस्टिंग पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे कॉस्टिंग बताया था 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए के बीच में। मतलब अलग अलग दुकान वाले ने अलग अलग प्राइस बताया था। अब जरा सोचिए, क्या इतना सा बोर्ड बनाने के लिए इतना कॉस्टिंग पड़ता है? आंसर इज नो। तो कितना कॉस्टिंग पड़ता है, आज की वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सो अगर आप 2024 के अंदर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस बिजनेस को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं लगेगा, 30-35,000 रुपए के अंदर आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो नियॉन लाइट के बोर्ड होते हैं इनको बनाया कैसे जाता है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, नियॉन बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले उस नियॉन बोर्ड के ऊपर आप कौन सा डिजाइन बनाना चाहते हैं यह आपको अपने क्लाइंट से फाइनलाइज करवाना होगा। तो सबसे पहले कोरल ड्रॉ के अंदर आपको डिजाइन बना लेनी है और उसके बाद में अपने क्लाइंट को भेजनी है। एक बार आपका डिजाइन फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इस मशीन की, जिसे कहा जाता है CNC राउटर मशीन। ये कटिंग करने का काम करती है। इस मशीन के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ये मशीन आपको चाहिए होगी। उसके बाद में जो भी डिजाइन आपने बनाया होगा, ये मशीन एक्रेलिक शीट के ऊपर उस डिजाइन को बना देगी, और आप देख सकते हैं किस प्रकार आपका डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों, ये जो डिजाइन बना है इसके अंदर आपको LED लाइट लगानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट से पूछ लेना है कि उसको कौन सा कलर चाहिए। जैसे कुछ क्लाइंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पूरी की पूरी लाइट सेम होनी चाहिए, कुछ ऐसे होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमको अलग अलग कलर चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट से कलर पूछ लेना है और उसी के हिसाब से आपको LED लाइट यहाँ पे लगानी होगी। सो एक बार आपने LED लाइट लगा ली तो उसके बाद में इन सभी छोटी छोटी लाइट्स को आपको कनेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली सोल्डरिंग मशीन की, और इस मशीन की मदद से आप देख सकते हैं हर एक लेटर के ऊपर सबसे पहले सोल्डरिंग की जाती है और उसके बाद में एक वायर की मदद से सभी को कनेक्ट किया जाता है, ताकि एक बार इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाए तो सारी की सारी लाइट्स एक साथ जल पाए। सो यहाँ पे हमने सभी को कनेक्ट कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो LED लाइट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है सिलिकॉन नियॉन ट्यूब्स की। सो आपने जो भी कलर चूज किया होगा उस कलर की आपको ट्यूब यहाँ पे लगानी होगी। सो फटाफट यहाँ पे ट्यूब लगा देते हैं और आप देख सकते हैं फाइनली हमारा ये जो बोर्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है। सो दोस्तों, ये जो नियॉन बोर्ड बनाने का प्रोसेस है ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। आप देखेंगे इसमें कोई भी वायर बाहर नहीं दिखाई दे रहा है और जो नियॉन बोर्ड बना है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। अब दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसके थ्रू अगर आप नियॉन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो CNC राउटर मशीन आती है वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। सो अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कम बजट के साथ इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है। देखिए, आप जहां कहीं भी इस बिजनेस को शुरू करेंगे उसके आसपास में कोई ना कोई इंसान तो ऐसा होगा ही होगा जिसके पास ये CNC राउटर मशीन होगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्रेलिक शीट को वहां से कटवाकर ला सकते हैं और उसके बाद में उसके अंदर LED लाइट फिट करके उसको कनेक्शन करके उसके ऊपर से सिलिकॉन नियॉन ट्यूब लगाकर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरीके में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर सामने वाले ने टाइम पे एक्रेलिक शीट को कट करके नहीं दिया तो हम भी क्लाइंट को हमारा जो नियॉन बोर्ड है वो टाइम पे नहीं दे पाएंगे, तो देखिए उसके लिए आपके पास तीसरा एक और ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, जो एक्रेलिक शीट होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको बनानी है सबसे पहले उस डिजाइन का प्रिंटआउट ले सकते हैं और उसको एक्रेलिक शीट के पीछे चिपका सकते हैं, और उसके बाद में आपको जरूरत पड़ने वाली नियॉन लाइट्स की। देखिए, पहला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसके अंदर हमने नियॉन लाइट का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके अंदर हमने सिलिकॉन नियॉन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था जिनके अंदर लाइटिंग नहीं थी। लेकिन इस बार जब आप यूज करेंगे तो उसके अंदर आप नियॉन लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो उनको आप प्रॉपरली कट करके जो भी डिजाइन होगा उसके ऊपर लगा देंगे, और एक बार जब आपका पूरा नियॉन लाइट चिपक जाए तो उसके बाद में जहां जहां आप कहीं पे भी लेटर है तो वहां पे आपको छोटे छोटे होल करने होंगे। अब ये क्यों करने होंगे, क्योंकि जब आप फाइनल कनेक्शन का काम करेंगे उसमें आपको ये काम आएगा। सो देखिए, एक बार जब आपका नियॉन लाइट चिपक गया और होल भी हो गए
हैं, तो उसके बाद में फाइनली कनेक्शन का काम करना होगा। सो आपको एक मेन वायर लेना होगा और उस वायर को पूरे डिजाइन के ऊपर लगा देना है, और उसके बाद में जो जो होल आपने किए हैं उसके अंदर आपको छोटे छोटे वायर लगाने होंगे, और उन वायर को आपको मेन वायर से और साथ ही साथ में जो नियॉन लाइट है उसके वायर से कनेक्ट करना होगा। और एक बार जब प्रॉपरली कनेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में जब आप चालू करके देखेंगे तो आपका नियॉन बोर्ड प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है थोड़ा सा अनप्रोफेशनल तरीका है, इसके अंदर जो वायर होते हैं वो पीछे की तरफ से बाहर होंगे, लेकिन जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था उसके अंदर वायर बाहर नहीं होते हैं। सो आपको डिसाइड करना होगा किस तरीके से किया जाता है। अब दोस्तों अगर आप में से किसी को मन में ये डाउट आ रहा है कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो मेन वायर होता है उससे आपको एडाप्टर के वायर को कनेक्ट करना होगा और उसके बाद में ये चालू हो जाता है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आप अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसके अलावा आपके आसपास में जिस तरीके के लोग रहते हैं उनको किस प्राइस में चाहिए उसके हिसाब से उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हर नियॉन लाइट का बोर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए ही होगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपको नियॉन लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूं मार्केट के अंदर ये जो नियॉन लाइट होती है ये 80 रुपए से लेकर 100 रुपए मीटर के हिसाब से होती है, और आपके कैलकुलेशन के लिए बता दूं 1 मीटर में लगभग 3 फिट आता है। इसके अलावा इस नियॉन लाइट की सबसे खास बात क्या होती है, इसे आप कहीं से भी कट करें ये फ्यूज नहीं होती है। अदरवाइज अगर एलईडी लाइट की बात करें उसको अगर आपने गलत जगह से कट कर दिया तो फ्यूज हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक्रेलिक शीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना एक्रेलिक शीट के आप नियॉन लाइट को चिपका नहीं पाएंगे। सो ये जो एक्रेलिक शीट होती है मार्केट में आपको मिलेगी लगभग 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 200 रुपए 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और ये आपको अलग अलग एमएम में आएगी, मतलब 2 mm से शुरू होती है और 12 mm तक आती है। सो आप अपने कस्टमर को कितने एमएम में बनाकर देना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। मार्केट में जो यूजुअली मिलता है वो 2 mm से लेकर 5 mm के बीच में होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको नॉर्मल वायर की जरूरत पड़ेगी ताकि जितने भी नियॉन लाइट्स है उनको आप कनेक्ट कर सको। ये वायर आपको मार्केट में आसानी से 20 रुपए मीटर के आसपास मिल जाएगा। फिर दोस्तों जब आप कस्टमर को फाइनल बोर्ड देंगे तो उसके साथ आपको एडाप्टर भी देना पड़ेगा ताकि वो कनेक्ट कर सके। सो ये एडाप्टर जो होता है मार्केट में मिलेगा आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में। उसके बाद में कुछ छोटी मोटी और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ग्लू हो गया जिससे आप चिपकाएंगे, कटर हो गया, स्केल हो गया, ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी। अब अगर बात करें मशीन की, तो देखिए आप इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मशीन लेनी होगी। अगर आप छोटे लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो वो जो मशीन मैंने आपको बताई थी सीएनसी कटर मशीन, ये शुरुआत होती है लगभग 5 लाख रुपए के आसपास। सो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसे खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं और से एक्रेलिक बोर्ड को कट करवा के ला सकते हैं, या फिर जो मैंने तीसरा तरीका बताया था उसका इस्तेमाल करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी ड्रिलिंग मशीन की, शोल्डरिंग मशीन की, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी लगभग 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में पर पीस के हिसाब से। सो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए नियॉन लाइट का बोर्ड बनाने के लिए। अब दोस्तों अगर बात करें स्पेस की, तो ये भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। जैसे अगर आप सीएनसी कटर मशीन लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसके बिना ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लगभग 100 स्क्वायर फीट की जगह के अंदर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉइज की बात करूं तो स्टार्टिंग में आप अकेले काम शुरू कर सकते हैं, आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, जब आपको ज्यादा काम मिलने लगे तो उसके बाद में आप एम्प्लॉय को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली एम्प्लॉयज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपको पता है किस तरीके से इस प्रकार का बोर्ड बनाया जाता है, तो आप खुद भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए अगर आप सीएनसी कटर मशीन लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट लाखों में चला जाएगा, मतलब 5 लाख तो मशीन का ही हो गया, लेकिन अगर आप उसके बिना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 30 से 35 हजार रुपए के अंदर आपका बिजनेस अच्छे से शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया इसके अंदर आपके बिजनेस में लगने वाली वही चीजें आएंगी जो मैंने डिस्कस की है। अगर आप प्रॉपर दुकान खोलते हैं, उसमें छोटा मोटा फर्नीचर बनाते हैं और भी थोड़ा बहुत काम कराते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, लेकिन जो जरूरी चीज है वो आपकी 30 से 35 हजार रुपए में आसानी से आ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो कितने पैसे कमा सकता है। देखिए इस बिजनेस में जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अपने आसपास में जब चेक किया कि 1 स्क्वायर फीट का बोर्ड बनाने के लिए क्या कॉस्टिंग पड़ता है, सो मुझे मिनिमम प्राइस मिला 2000 रुपया और मैक्सिमम मिला 3000 रुपया, मतलब 1 स्क्वायर फीट का बोर्ड बनाने के लिए कम से कम 2000 रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे। अब दोस्तों जरा सोचिए 1 स्क्वायर फीट का बोर्ड बनाने के लिए क्या उतना कॉस्टिंग आता होगा, अगर नहीं तो कितना कॉस्टिंग आता होगा, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन के लिए 2 स्क्वायर फीट का बोर्ड का बता रहा हूँ, उसके बाद में हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 1 स्क्वायर फीट का कॉस्ट कितना पड़ेगा। सो दोस्तों 2 स्क्वायर फीट का सबसे पहले तो आपको एक्रेलिक बोर्ड लेना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको पर स्क्वायर फीट 200 रुपए पड़ रहा है, तो 2 स्क्वायर फीट का आपका हो जाएगा 400 रुपए। उसके बाद में आपने सीएनसी कटर मशीन खरीदी नहीं है तो आप कहीं से डिजाइन बनवा के लाएंगे, अब जहां से बनवा रहे उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे, मैं मान के चलता हूँ उसको आपने दे दिए 150 रुपए। अब दोस्तों ये जो 2 स्क्वायर फीट का आप नियॉन लाइट का बोर्ड बना रहे हैं इसके अंदर आपको नियॉन लाइट भी लगानी पड़ेगी। सो मैं 1 मीटर
का पकड़ लेता हूँ 100 रुपया और मैक्सिमम अगर आपका 5 मीटर भी लगता है तो कॉस्ट हो जाएगा 500 रुपया। उसके बाद में आपको एडेप्टर की जरूरत पड़ेगी जो आपको मार्केट में मिल जाएगा 150 से 200 रुपए के बीच में, तो मैं 150 रुपए पकड़ लेता हूँ। इसके अलावा पैकेजिंग और अदर एक्सपेंसेस का मैं 100 रुपए पकड़ लेता हूँ, इतना नहीं जाएगा लेकिन फिर भी हम 100 रुपए पकड़ लेते हैं। तो टोटल आपका जो कॉस्टिंग होता है वो होता है 1300 रुपया। मार्केट में पर स्क्वायर फीट का मिनिमम प्राइस है 2000 रुपया, तो 2 स्क्वायर फीट का हो जाएगा 4000 रुपया। तो 4000 में से आप 1300 निकाल दीजिए, आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 2700 रुपया। अब दोस्तों 2 स्क्वायर फीट के ऊपर 2700 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 स्क्वायर फीट पे आपको लगभग 1350 का प्रॉफिट होगा। मैं मान के चलता हूँ कम से कम 1000 रुपए का प्रॉफिट भी अगर आपको बचता है और दिन के अंदर अगर आपने 3 से 4 बोर्ड बना के भी सप्लाई कर दिए तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। अब दोस्तों ये जरूर हो सकता है कि प्राइस डिफर करे, मैंने जहां पे पूछा था वहां पे 2000 से 3000 के बीच में था, हो सकता है आपके लोकेशन के अंदर प्राइस और कम हो और ज्यादा हो, लेकिन कितना भी प्राइस होगा आपका जो खर्चा है वो कम ही लगने वाला है और आप जितने में बेचेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो हमको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे, सो दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे तरीके हैं, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के बिजनेस शुरू कीजिए, आपको आसानी से कस्टमर्स मिल सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें आसानी से कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली ऐसा वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा और आप उसको देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। इस वीडियो को कम से कम 4-5 फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए हो सकता है आपको ये बिजनेस नहीं करना हो लेकिन किसी ऐसे इंसान के पास ये वीडियो जा सकता है जो एक्चुअल में बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और ये वीडियो उसके काम का हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।